व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। गाइस, अब रियलमी कंपनी के बारे में क्या बोले यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि रियलमी कंपनी जो है वो डिवाइसेस लॉन्च करने में एकदम पीक पे है। मतलब अभी जो है ना, रिसेंटली न्यूज आई है, काफी टाइम से न्यूज आ रही है, मतलब कि रियलमी GT 2 प्रो एडिशन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। साथ ही में नियो सीरीज भी जो है ना दोस्तों आ सकती है, नई नियो सीरीज जो है ना दोस्तों आ सकती है यहाँ पर दोस्तों। साथ ही में ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि रियलमी की तरफ से पैड मिनी भी लॉन्च होगा। मतलब रियलमी पैड तो लॉन्च हो गया है, लेकिन कंपनी उसका मिनी वर्जन अभी लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, मतलब सारे स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो मिनी वर्जन के उस वेबसाइट के ऊपर लीक हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उससे पता लग जाता है कि भी डिवाइस जो है ना वो किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्लाइडली कंपेयर करोगे रियलमी पैड से तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों एकदम लेस है, मतलब जो लेस फीचर्स स्लाइडली हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब वो तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और फिर हम देखेंगे भाई क्या क्या जो है ना हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, और उससे भी पता लग जाएगा कि डिवाइस जो है ना वो कैसा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो मिनी वर्जन में 8.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, LCD पैनल के साथ में आता है, और अगर रेजोल्यूशन की बात करूंगा तो 1340x800 का रेजोल्यूशन इसमें मिलता है। अगर आप दोस्तों इसको ऐसे ही कंपेयर करोगे रियलमी पैड से तो उसमें जो है ना 10.4 इंच का डिस्प्ले हमें देखने के मिला। तो यहाँ पर गाइज मिनी वर्जन में स्लाइटली कम साइज का जो है ना वो डिस्प्ले देखने के मिलता है। ये एक मेजर डिफरेंस हमें मुझे डिस्प्ले कैटेगरी में लगा है। साथ में अगर मैं बात करूंगा इसके कैमरा डिटेल्स को लेके, कैमरा फीचर्स को लेके, तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ऑब्वियसली जो रेयर में आपको सिंगल सेटअप देखने को मिलता है जिसमें से 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं पर फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर फटाफट बात करूंगा दोस्तों परफॉर्मेंस को लेके। जी हाँ, परफॉर्मेंस डिटेल्स में हमें क्या क्या मिलता है इस डिवाइस में। तो गाइज ऐसी न्यूज़ है कि इसमें UNI का T616 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे रियलमी पैड से तो उसमें Helio G80 प्रोसेसर मिला था। अगर आप इन दोनों ही प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करोगे तो इतना कुछ खास डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता। जो एक नोटिसेबल डिफरेंस है वो सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस में है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे एज अ होल तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर लगभग जो है ना दोनों ही डिवाइसेस सेम जो है ना वो परफॉर्मेंस के साथ में हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा इसके वेरिएंट के बारे में तो इसमें दोनों ही रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 3GB RAM, 4GB RAM, साथ ही में 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ही आएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं फटाफट बैटरी परफॉर्मेंस को लेके। तो इस सेक्शन में भी मुझे ये डिवाइस एकदम जबरदस्त लगा है। इसमें अराउंड 6100 या 6400 mAh की बैटरी में देखने को मिलती है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट काउंट याद नहीं है लेकिन 6000 एंड अबव ही है। साथ ही में इसमें 18W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, ये मुझे बहुत जबरदस्त लगी है। रियलमी कंपनी ने एटलीस्ट जो है ना एक फास्ट चार्जिंग इसमें दी है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज क्या होती है कि एक अच्छा बैटरी बैकअप तो दे देती है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं देती। तो यहां पर जो ना दोस्तों एटलीस्ट हमें 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, विच इज गुड। अब ये तो अगर दोस्तों सारे स्पेसिफिकेशंस जो इस डिवाइस से रिलेटेड लीक हुए हैं। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉन्च डिटेल्स के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिकेशन सुनने के बाद में आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि किस तरीके का जो है डिवाइस हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज भी। पर गाइस लॉन्च के हिसाब से बता देता हूँ कि सबसे पहले कंपनी इसको फिलीपींस में लॉन्च करेगी, और फिलीपींस में लॉन्च होने के बाद में फिर अप्रैल की एंड तक इसका ग्लोबल लॉन्च में देखने को मिल सकता है। अब तक ये न्यूज़ आ रही है फिलीपीन में, वैसे जो है ना दोस्तों ये April 4 को लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है, मतलब देखिए डिवाइस कितने का भी मिले, कितना भी सस्ता मिले, कितना भी अच्छा मिले, बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि क्या आपको ये डिवाइस परचेस करना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ यही चीज़ बोलूंगा गाइज, अगर आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट एंजॉय करना है, अगर आपको एक सेकेंडरी स्क्रीन चाहिए जो कि एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, तो आप ये डिवाइस परचेस कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मतलब इरादा नहीं है, बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट नहीं एंजॉय करना है, साथ में आपके पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वहाँ पर आप अपने दूसरे काम कर सकते हो, तो ये जो है ना दोस्तों मेरे लिए एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब मेरे हिसाब से एकदम वेस्ट ऑफ टाइम, आपको ये परचेस नहीं करना चाहिए। और हाँ, टैब के हिसाब से अगर आप परचेस कर ही रहे हो तो आप रियलमी पैड के लिए चले जाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आया रियलमी पैड कंपनी ने क्यों लॉन्च किया है, एक मिनी वर्जन क्यों लॉन्च किया है, जब रियलमी पैड ही ऑलरेडी अच्छे खासे प्राइस में मिल रहा है तो मिनी वर्जन लॉन्च करने की जरूरत ही क्या है। मतलब तो गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो। मैं तो एकदम क्लियरली बोला हूँ कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है भाई। आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक। आपके पास में अगर कोई भी ऐसे कमेंट्स है, सुझाव है, सजेशन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि इन फ्यूचर आप हमारे चैनल की अपडेट्स मिस नहीं करोगे, बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।